हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडिया टीवी क्रिकेट में। आपके साथ मैं हूं आदर्श दीक्षित। आईपीएल सीजन 17 में अब वो पड़ाव आ चुका है जहां पर एक एक मैच सबसे जरूरी है। हर एक टीम के लिए हर एक जीत जरूरी है और एक भी हार किसी भी टीम के सपनों पर पानी फेर सकती है। कल रात मुकाबला खेला गया दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस के बीच। मैच रोमांचक हुआ, आखिरी ओवर तक मैच चला, लेकिन आखिर में बाजी हाथ लगी दिल्ली कैपिटल्स के, जो अपने घर पर मैच खेल रहे थे। पहले बल्लेबाजी करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स की टीम और कप्तान ऋषभ पंत ने शानदार बल्लेबाजी की। ओपनिंग करने आए पृथ्वी शॉ और जैक फ्रेजर मैकगर्ग। शुरुआत तो अच्छी नहीं रही, पृथ्वी शॉ आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहे थे लंबे समय से और वो उनकी खराब फॉर्म इस मैच में भी जारी रही। 7 गेंदों पर 11 रन बनाए पृथ्वी शॉ ने, स्टार्ट मिला था लेकिन उसे बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर सके। वहीं जैक फ्रेजर ने 14 गेंदों पर 23 रन बनाए। अक्षर पटेल को प्रमोट किया गया, नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने उतरे अक्षर पटेल और शानदार बल्लेबाजी की उन्होंने भी। 43 गेंदों पर 66 रन बनाए उन्होंने, 5 चौके जड़े और 4 छक्के जड़े उन्होंने अपनी इस पारी में। वहीं शे होप को मौका दिया गया था प्लेइंग 11 में, उन्होंने 6 गेंदों का सामना किया, 5 रन ही बना सके और संदीप वॉरियर की गेंद पर आउट हो गए। वहीं कप्तान ऋषभ पंत नॉट आउट रहे और 43 गेंदों पर 88 रन बना करके उन्होंने साबित कर दिया कि वो T20 वर्ल्ड कप की रेस में भारतीय टीम की ओर से प्रबल विकेटकीपर के दावेदार हैं। इसके अलावा ट्रिस्टन स्टब्स ने भी 7 गेंदों का सामना किया और ताबड़तोड़ 26 रन उन्होंने बनाए, 3 चौके जड़े और 2 छक्के जमाए यहां पर उन्होंने। इस तरीके से 20 ओवर में दिल्ली कैपिटल्स ने बनाए 224 रन 4 विकेट के नुकसान पर और गुजरात टाइटंस को टारगेट मिला 225 रनों का। गेंदबाजों की अगर बात करें तो गुजरात की ओर से गेंदबाज ज्यादा असर नहीं छोड़ पाए बल्लेबाजों पर दिल्ली कैपिटल्स के। अजमतुल्ला उमरजई ने 4 ओवर किए, 33 रन खर्च किए, उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। वहीं वॉरियर ने 3 ओवर किए, 3 ओवर में उन्होंने 15 रन खर्च किए और 3 अहम सफलताएं उन्हें मिली। वहीं राशिद खान ने 4 ओवर में 35 रन खर्च किए। नूर अहमद ने 3 ओवर किए, 36 रन खर्च किए और 1 सफलता उन्हें मिली। मोहित शर्मा ने 4 ओवर में 73 रन खर्च कर डाले, सबसे महंगे साबित हुए, खूब धुनाई हुई मोहित शर्मा की, पूरी तरीके से गेंदबाजी में फ्लॉप नजर आए मोहित शर्मा और 4 ओवर में 73 रन। आप समझ रहे हैं कि 18.2 के इकोनॉमी रेट से मोहित शर्मा ने रन लुटाए, पूरी तरीके से वो बल्लेबाजों के सामने बेदम साबित हुए। शाहरुख खान को गेंदबाजी का मौका मिला, 1 ओवर उन्होंने भी किया, 8 रन खर्च किए उसमें। और साई किशोर ने भी 1 ओवर किया और वो भी महंगे साबित हुए, 1 ओवर में 22 रन खर्च किए। वहीं 225 रनों के टारगेट का पीछा करने उतरी गुजरात टाइटंस की टीम। तो रिद्धिमान साहा ने अच्छी बल्लेबाजी की, 25 गेंदों पर 39 रन उन्होंने बनाए, लेकिन कप्तान शुभमन गिल वो यहां पर भी फ्लॉप रहे, 5 गेंदों पर 6 रन बना करके आउट हो गए। और गिल अगर अच्छा स्टार्ट देते, अच्छे रन बनाते तो जो 4 रनों से जीटी मैच हारी है, हो सकता है ये मैच जीटी की झोली में जाता। लेकिन शुभमन गिल एनरिक नाखिया के शिकार हो गए और 6 रन बना करके आउट हो गए। वहीं साई सुदर्शन नंबर 3 पर आए बल्लेबाजी करने, उन्होंने 39 गेंदों का सामना किया और 65 रन बनाए, करीब 167 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने रन बनाए। और जो सुदर्शन पर आरोप लगते हैं कि वो T20 क्रिकेट में वनडे स्टाइल में बल्लेबाजी करते हैं, यहां पर उन्होंने T20 क्रिकेट में T20 स्टाइल में मॉडर्न डे टेम्पलेट के आधार पर उन्होंने बल्लेबाजी की और 65 रन बनाए। फिर इसके बाद अजमतुल्ला उमरजई आए, उन्होंने भी 2 गेंदों का सामना किया और 1 रन बना करके आउट हो गए। डेविड मिलर ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और जीटी को इस मैच में वो वापस लेके आए। एक वक्त पर लग रहा था कि गुजरात टाइटंस मैच जीत सकता है और वो जीत की उम्मीदें जो बांधी थी वो डेविड मिलर ने ही बांधी थी, उन्होंने 23 गेंदों पर 55 रन बनाए। वहीं शाहरुख खान 5 गेंदों पर 8 रन बना करके आउट हो गए। राहुल तेवतिया फ्लॉप रहे, 5 गेंदों पर 4 रन बनाकर आउट हो गए। राशिद खान 11 गेंदों पर 21 रन उन्होंने बनाए और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की उन्होंने। इसके अलावा साई किशोर ने 6 गेंदों पर 13 रन बनाए और मोहित शर्मा बिना खाता खोले नॉट आउट रहे। आखिरी ओवर में 19 रनों की दरकार थी जीटी को, लेकिन जीटी के बल्लेबाज केवल 14 रन ही बना सके और अंत में ऋषभ पंत की टीम की जीत हुई और 4 रनों से दिल्ली कैपिटल्स ने मुकाबले में जीत हासिल की। अब पॉइंट्स टेबल में अगर देखा जाए तो रन रेट जीटी और डीसी दोनों का समान है, लेकिन और दोनों टीमों ने ही 9 में से 4 मैचों में जीत दर्ज की है, लेकिन रन रेट दिल्ली कैपिटल्स का अच्छा है, इसलिए पॉइंट्स टेबल में जीटी से ऊपर है दिल्ली कैपिटल्स।
तो ये रहा गुजरात और दिल्ली के बीच मैच का पूरा हाल।